भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के बाद एक रिश्ता वक्तव्य के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है, जिसके चलते नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जूते मारो आंदोलन किया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपीचंद पडलकर ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, साथ ही साथ सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ वादग्रस्त वक्तव्य किया था, जिसका विरोध राष्ट्रवादी के दोनों गुटों द्वारा किया जा रहा है। जहां एक ओर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने पडलकर को अपमानित करने पर इनाम रखा, वहीं दूसरी ओर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी द्वारा पडलकर को जूते मारो आंदोलन किया गया। इस समय राष्ट्रवादी के युवा नेता एवं जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख और शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस समय शहर प्रवक्ता नूतन रेवतकर, ग्रामीण महिला जिलाध्यक्ष अर्चना हाइडे समेत राष्ट्रवादी के मुख्य कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां पडलकर के बैनर पर जूते मारते हुए विरोध जताया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।